मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट क्लासेस के पढ़ेंगे लेसन 26 जिसका नाम है सहयोग। बच्चों, सहयोग एक ऐसा शब्द है जिससे सुनते ही आपके मन में बहुत सुकून मिलता है और शांति मिलती है। मालूम है बच्चों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सहयोग शब्द ऐसा है जो सबको एकता में बांध के रखता है। आपने देखा होगा चींटियों को, वो एक है एक नन्ही सी चींटी, लेकिन उनका सहयोग के साथ जो वो काम करती हैं, वो बड़े बड़े टीले को, बड़े बड़े पहाड़ को भी खाक कर देती हैं, मिट्टी में मिला देती हैं। बच्चों मालूम है कैसे? सिर्फ एक शब्द है, सहयोग। अगर सहयोग नहीं होता तो इतने बड़े पहाड़ को भी वो मिट्टी में मिला नहीं सकती। इसलिए बच्चों इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि सहयोग होता क्या है और सहयोग से क्या होना चाहिए, सहयोग से लाभ क्या होता है। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आपके लेसन में सहयोग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको चींटी का एग्जांपल बताया, दूसरा आप ये देखेंगे, आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है ना बच्चों, जिसके मीठे मीठे रस को हम शहद कहते हैं, हनी भी कहते हैं। आप उसको खाते हो बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन उस शहद को किस तरह से वो सहयोग से अपने घर में रस ला के भरती है, केवल एक मधुमक्खी से नहीं बच्चों, सैकड़ों मधुमक्खियाँ एक झोपड़ी में उनका जो घर बनाती हैं, उस घर में ला ला के सभी मधुमक्खियाँ एक ही पेड़ में अपना रस भरती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं, जैसे ही वो रस ज़्यादा हो जाता है हम उस रस को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मधुमक्खी ने नहीं, सभी मधुमक्खियों ने मिलकर इतना मेहनत करके वो घर बनाती हैं, उसमें रस भरती हैं। तो बच्चों जब एक मधुमक्खी, एक नन्ही सी जीव इतना महान काम कर सकती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते, हम बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बच्चों हम सभी सहयोग के साथ कोई भी काम ठाने तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये बात आप जरूर मन में बांधना बच्चों, कोई काम अकेले कभी नहीं हो सकता। अगर अकेले आप करोगे तो बहुत दिन लग जाता है, लेकिन अगर कई लोग एक साथ मिलकर करें तो बहुत दिनों वाला काम ना कुछ दिनों में ही हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सहयोग की भावना अपने मन में रखिए, आप जितना हो सके सबका सहयोग का कारण बनिए और कुछ सहयोग करिए। और अपने मन में ये हम कभी मत पालिए कि सिर्फ मेरे वजह से सब कुछ होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल मनुष्य के और बच्चों के अंदर नहीं भावना होनी चाहिए। ये होता है ना बच्चों, ये हम है, ये सहयोग की भावना नहीं है, ये हम की भावना है, अहंकार की भावना है, कि हम जब आपके अंदर हम आ जाए ना तो वो अहंकार हो जाता है और वहाँ सहयोग नहीं हो सकता। इसलिए सहयोग करने के लिए और सहयोग बनने के लिए आपको अपने मन को प्रेम पूर्वक भावना रखनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे का सहयोग कर सके। तो बच्चों आपको पता ही होगा हमारे देश के जो बॉर्डर है ना, उस पर सैनिक तैनात हैं, वो हमारे रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। आप सोचो बच्चों, अगर एक सैनिक एक बंदूक लेके और अपने कंधे पे बॉर्डर पे खड़ा रहे तो क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? नहीं। हमारे देश में आतंकवादी हमला करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, हम जो चांसेस हो रहे हैं वो नहीं हो सकता। ये सहयोग बॉर्डर पे भी बहुत सैकड़ों लाखों सैनिक अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो सहयोग ही तो है ना बच्चों। भारत माता के सहयोग के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए सभी सैनिक एकजुट होकर अपनी देश की रक्षा करते हैं और सबकी सुरक्षा उनके हाथों में है। तो वो भी वहाँ भी बच्चों सहयोग है, वहाँ पे कोई कुछ करता तो कोई कुछ करता और सब मिलके भारत माँ की रक्षा करते हैं। तो मेरा